दोस्तों, अगर आप लोगों के पास यहाँ पर IQOO Z9S Pro और Vivo T3 Pro डिवाइस है तो आपके लिए एक नया अपडेट यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही स्मार्टफोन अभी लेटेस्ट स्मार्टफोन है और इन दोनों ही लेटेस्ट स्मार्टफोन के अंदर यहाँ पर Vivo ने जो है और IQOO ने नया सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज़ कर दिया है। दोनों डिवाइस की बात एक साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि Vivo का T3 Pro एंड IQOO Z9S Pro दोनों ही डिवाइस बिल्कुल एक दूसरे के साथ यहाँ पर मैच करते हैं। सब कुछ यहाँ पर सेम देखने को मिलता है, बस ब्रांडिंग का फ़र्क देखने को मिलेगा। तो दोनों के अंदर अपडेट्स भी यहाँ पर एक जैसा ही देखने को मिलता है। नया अपडेट जो रिलीज़ हुआ है उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी न्यूज़ और मिलती रहेगी चैनल पर। और टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, Vivo और IQOO के रिगार्डिंग हर फंटा चॉइस अपडेट्स के रिगार्डिंग अपडेट्स की न्यूज़ देखने को मिल जाती है। चलिए अब शुरू करते हैं और वर्जन बता देते हैं आपको। 14.0.8.0 का अपडेट यहाँ पर रिलीज हुआ है, देख लीजिए 14.0.8.0 का अपडेट रिलीज हुआ है। 281 MB का आपको अपडेट साइज देखने को मिलता है, 281 MB का अपडेट साइज है। साथ में यहाँ पर सितंबर 2024 का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच दिया गया जो कि साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया है। तो सितंबर के महीने में अपडेट आया और सितंबर का ही सिक्योरिटी पैच दे दिया जो कि काफ़ी यहाँ पर बढ़िया बात है। साथ में यहाँ पर डिवाइस की स्टेबिलिटी के लिए क्या किया गया कि ऑप्टिमाइजेशन करा गया जिससे आपकी डिवाइस की स्टेबिलिटी अच्छी देखने को मिलेगी और एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर जो है ना कुछ डिस्प्ले के ऊपर सिस्टम फॉन्ट्स जो होते हैं वो सही तरीके से सेट नहीं हो रहे थे, उस इशू को जो है यहाँ पर फिक्स करा गया है। तो फॉन्ट्स वगैरह को भी जो है आसानी से अब सेट किया जा सकता है, तो वो जो है इस चीज़ को लेकर यहाँ पर फिक्स किया गया है। कैमरा के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो Vivo T3 Pro एंड IQOO Z9S Pro है इनके अंदर जो है कैमरा को लेकर भी ऑप्टिमाइजेशन करी गई इस अपडेट के अंदर। जो फोटो की क्लैरिटी है रियर कैमरा की, जो मेन कैमरा जो होता है ना उसको जो है ऑप्टिमाइज किया गया जो कि साफ साफ यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। साथ में नेटवर्क को लेकर काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिमाइजेशन। नेटवर्क स्टेबिलिटी को लेकर जो है इन लोगों ने इस अपडेट के अंदर काम किया जो कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि नेटवर्क में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज देखने को मिलेगी जिससे आपको एक बेटर नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिल पाएगा और आप लोग इंटरनेट सही से यूज़ कर पाएंगे। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा IQOO Z9S Pro के अंदर और Vivo T3 Pro के अंदर। तो उनके लिए ये नया अपडेट 14.0.8.0 का जो है अपडेट यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि Vivo T3 Pro एंड IQOO Z9S Pro के अंदर जो है यहाँ पर फंटा चॉइस 15 और एंड्रॉइड 15 का अपडेट कब तक मिलेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही अपडेट की न्यूज़ आएगी फंटा चॉइस 15 और एंड्रॉइड 15 को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। इस साल तो आपको नहीं देखने को मिल पाएगा, अगले साल IQOO Z9S Pro और Vivo T3 Pro के अंदर जो है अपडेट देखने को मिलेगा फंटा चॉइस 15 और एंड्रॉइड 15 को लेकर। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहेंगे जिसके जरिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आपके डिवाइस के लिए कब तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और कोई अदर डाउट वगैरह हो तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।